तो हेलो क्रिएटिव आर्मी, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को टॉप 2 पेपर पे आप लोग को प्लेन बना करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि मेरी तबीयत कुछ दिन से सही नहीं थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। तो अब लगातार वीडियो आएंगे क्योंकि मेरी तबीयत सही हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आप लोग को नोटबुक का पेपर ले लेना होगा या फिर आप लोग कलरफुल पेपर भी ले सकते हो। तो दोनों साइड से आप लोग को कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में आप लोग को इस तरह बना लेना है एंड देन ऊपर से कुछ इस प्रकार से आप लोग को मोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार जैसे जैसे इसमें दिखाया जा रहा है वैसे वैसे आप लोग को कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसे कुछ इस प्रकार से मोड़ लेता हूँ। आप लोग जैसे मोड़ जाएगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा, उसके ऊपर से कुछ इस प्रकार से फिर से मोड़ देना है। और फिर यहाँ पर आप लोग को कुछ इस प्रकार से जैसे आप लोग एरोप्लेन को नॉर्मल एरोप्लेन को मोड़ते हो उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को मोड़ लेना है। डबल साइड से पहले इस साइड का मोड़ लेते हैं, उसके बाद इस साइड का मोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे ही इसे आप लोग खोलोगे उसके आप लोग को एक एरोप्लेन टाइप का ही लगेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे हल्का हल्का मोड़ देना है। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा जो है उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा उठा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा उठा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा पक्षी बनके तैयार है। तो इसका टेस्टिंग हम लोग आखिरी में करेंगे। अब भाई जो हम लोग एरोप्लेन बनाने जा रहे हैं वो अभी तक का सबसे बढ़िया एरोप्लेन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले एक नोटबुक का पेपर ले लेना है। उसके बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ से मोड़ देना है, ऊपर से कुछ इस प्रकार से मोड़ करके एंड देन उसके बाद दोनों साइड से कुछ इस प्रकार से फिर मोड़ देना है। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से मोड़ करके और उसके बाद इस पे ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस प्रकार से मोड़ना है और दोनों साइड को मोड़ना है जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ेगा। उसके बाद हम लोग जैसे इसे मोड़ लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम लोग को कुछ इस प्रकार से ऐसे मोड़ देना है जैसे हम लोग नॉर्मल एरोप्लेन को मोड़ते हैं। उसके बाद उसी तरह हमको यहाँ पर ऐसे मोड़ देना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से मोड़ लेते हैं। अब आता है हमारा मेन ट्रिक जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, और इस पे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डिजाइन आप लोग को डाल देना है। अब जो डिजाइन हमने बनाया है उसी डिजाइन को कुछ इस प्रकार से कैंची से फटाफट से हम लोग काट करके अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा अलग टाइप का एकदम एरोप्लेन बनके तैयार है। सो गाइस, उड़ाने में थोड़ी सी गलती होगी, आप लोग थोड़ा ऊपर से उड़ाओगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ेगा। ये मेरा तार पे जाकर के लड़ गया, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और गाइस, इसे आप बहुत ही दूर से उड़ाओगे और बहुत ही बड़े एरिया में उड़ाओगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ेगा। और मैं यहाँ पर बहुत ही छोटा जगह था इस वजह से मैं बार बार लड़ जा रहा था।